हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का गोदरेज का वॉशिंग मशीन है। इसका प्रॉब्लम ये बता रहा था कि ये स्पिन मोटर नहीं चल रहा, तो अब इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, उसको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पावर चेक करेंगे, ये पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस वॉशिंग मशीन में। तो सबसे पहले हम इसको पावर दे दिए हैं, यहाँ से बोर्ड से यहाँ कनेक्शन दे दिए हैं। उसके बाद ये हम लोग का मेन पावर है, यहाँ से हम कनेक्शन दे दे रहे हैं ऑन करके। उसके बाद इसको अभी हम चालू करेंगे जो स्पिन में है, इसको स्पिन वाला हम चालू कर रहे हैं इसका टाइमर को। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी चल नहीं रहा है स्पिन हम लोग का। तो फ्रेंड्स ये देखिए टाइमर भी ठीक है, इसका ठीक वर्क कर रहे हैं। तो अभी इसका हम लोग देख रहे हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। पहला स्टेप देख लिया इसका क्या प्रॉब्लम है, ये ठीक है इधर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे इसका मोटर का, जिसके क्या प्रॉब्लम है जो नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखें, पावर दिए हुए हैं, उधर भी टाइमर ऑन है। उसके बाद अभी इसको तो फ्रेंड्स इसका ब्रेक टूट गया था, टूटा हुआ इसमें, इसको देखते हैं। अभी इसका ब्रेक को टान के, इसका जो ब्रेक होता है उसको ब्रेक लगाता है, जिसको ओपन करता है जब डोर, तो इसमें ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक का तार जो टूट गया है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं इसको टान के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं इसको। ब्रेक को हम थोड़ा इधर टान दिए हैं उसको, जो गैप में हो, और ये मोटर घूमे। तो ये देखिए इधर इधर, ये देखिए फ्री हो गया मोटर, और पहले पूरा जाम था, इसमें ब्रेक लग गया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत हार्ड घूम रहा है, तो इसमें इसको हम ब्रेक को टान के इधर कर दे रहे हैं। इसको ब्रेक तार लगाने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको हम पावर देके देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये हम पावर दे दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स ये चलना स्टार्ट हो गया। इसका प्रॉब्लम ये था कि ये ब्रेक उसमें लग जा रहा था, इसलिए घूम नहीं पा रहा था। तो ये जान के रहे आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।